आपको इस राइड में मुंबई गोवा हाईवे की कंडीशन मालूम पड़ेगी। सो अभिषेक भाई वॉन्डर सेन, ये जन्नत है। अगर महाराष्ट्र में जन्नत ढूंढने निकले हो, जो अच्छा लोकेशन मिलेगा उधर हम लोग रुकने वाले हैं। अभी रोज की इस भीड़भाड़ वाली जिंदगी से ब्रेक लेके आज मैं निकल पड़ा हूं सुकून की खोज में। सो हम लोग जा रहे हैं अभी कास पठार, ही विल लीड। और मेन मतलब हम लोग जाते वक्त मुंबई गोवा हाईवे से जाने वाले हैं और आते वक्त पुणे से आने वाले। एक टाइम पे मेरा सपना था इनके साथ राइड करने का, जो आज पूरा हो रहा है। सो अ बिग थैंक्स टू वॉन्डर सेन अभिषेक भाई। तो आज का हमारा टारगेट है कास पठार पहुँचने का। कास पठार पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद कल हम लोग निकलेंगे महाबलेश्वर जाने के लिए। महाबलेश्वर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा और परसों के दिन रिटर्न आने वाले हैं। सो तीन दिन इस पॉल्यूशन से छुट्टी लेके हम लोग जा रहे हैं नेचर में। अभिषेक भाई थोड़ा मेरे पे रहम खाओ, आपकी ऑफ रोड बाइक है। आपको इस राइड में मुंबई गोवा हाईवे की कंडीशन मालूम पड़ेगी, क्योंकि गणपति के पहले इसका काम हुआ था, ऐसे न्यूज़ में देखा था हमने। सो आज रियलिटी चेक करके देखते हैं कि क्या ये रास्ते हुए हैं अच्छे या नहीं हुए। जुड़े रहिए आपके ATG व्लॉग्स के साथ। एक हॉल्ट लिया है अभी। जनरली मैं राइड पे कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन लास्ट राइड से मालूम नहीं क्या हुआ है, मैं खाने लगा हुआ एंड डाइजेशन मेरा अच्छा हो गया है। इसके लिए मुझे कुछ टेंशन नहीं है और रास्ते की कंडीशन अच्छी है। बट आपको बीच में ध्यान रखना पड़ेगा, गड्ढे भी है या कहीं कहीं पे काम चालू है। सो अगर आप रात को ट्रैवल करते हो तो अच्छे लाइट्स अगर आपके कार में है या बाइक में है सो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको आराम आराम से ही आना है। सो अभिषेक भाई वॉन्डर सेन, हेलो हेलो भाई, बहुत दिनों से प्लान चल रहा था, yes. आज जाके एग्जीक्यूट हुआ। पैकिंग इज एन आर्ट, ये इनसे ही सीखा था और इसके लिए इस बार मैंने भी वैसे ही ट्राई किया था। दो तीन दिन के कपड़े और जो भी एसेंशियल सामान है वो टॉप बॉक्स में अपना फिट हो चुका है, इसके लिए नो टेंशन। चलो काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, अभी डायरेक्ट सुसाठ में जाएंगे। ये एक जंक्शन है जहाँ से आप लेफ्ट अगर जाते हो तो पाली साइड जा सकते हो, खोपोली साइड जा सकते हो और सीधा है गोवा। मुंबई पुणे हाईवे भी इधर ही है। मुझे याद है कि जब मैं एक बार मानगांव से आया था तो खोपोली वाले रूट से गया था घर पे, वो भी काफ़ी सीनिक रूट है। और तभी ये रास्ते का काम चालू था एंड भाई हो गया काम, क्या बात है। इतना खूबसूरत लोकेशन और अगर फोटोग्राफी ना हो तो मज़ा क्या, मेमोरी कैसे बनेगी। इसके लिए अभी फोटोग्राफी के लिए ब्रेक लिया था एक। फोटोज़ आपको अगर देखना है तो इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डू फॉलो अवर इंस्टाग्राम अकाउंट। बस मज़ा आ रहा है आज बहुत और भगवान की कृपा है भाई कि ऐसा ही मौसम है सुहाना एकदम, बहुत टाइम से वो भी। महाड़ क्रॉस करके भोर की ओर वरंदा घाट होकर जा रहे हैं। ये घाट महाराष्ट्र के माउंटेन रेंज में यानी सह्याद्री रेंज में आता है और मुंबई गोवा हाईवे से भोर की ओर जाते वक्त महाड़ से ये घाट 25 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई नीचे देखने में डर लग रहा है, इतना हम लोग ऊपर आ गए हैं एंड काफी सुंदर नजारा है। ओए होए होए होए, ये देखो, ओ हो, क्या बात है भैया। वही ना, काढ़ो ड्रोन काढ़ो।
हम लोग अभी ऐसे जंक्शन पे, जैसे कि एक गांव खत्म हो गया और ये साइड में अभी दूसरा गांव शुरू होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है सर इस जगह के बारे में? ये जन्नत है, अगर महाराष्ट्र में जन्नत ढूंढने निकले हो तो वरंदा घाट। बाकी ड्रोन शॉट्स भाई के चैनल पे है, जाके देख सकते हो। इस घाट में वाकजाई माता का मंदिर भी है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए रुकते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं कहीं भी नई जगह पे जाता हूँ और जो मैं डेली में नहीं देखता हूँ और अचानक वो दिखता है ना, बहुत खुश हो जाता हूँ भाई मैं। मतलब जो मेरे एक्सप्रेशन है ना, बार बार मैं बोलता हूँ क्या नज़ारा है, वाह वाह वाह, ये सब रियल है, बिल्कुल भी मैं फेक नहीं करता। अगर आप भी मुंबई से आपके फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ महाबळेश्वर या कास पठार जाना चाहते हो तो पर्सनली मैं आपको ये रूट ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये रूट काफ़ी सीनिक है। हम जैसे जैसे इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं वैसे और भी खूबसूरत नज़ारे हमें देखने मिल रहे हैं। इस खूबसूरत नदी का नाम नीरा देवदर है। और इसके किनारे हम लोग हमारा लंच यानी मिसल पाव खाने रुके हैं। जो अच्छा लोकेशन मिलेगा उधर हम लोग रुकने वाले हैं। अभी ये डैम है क्या, जैसे हम लोग पेंटिंग में देखते हैं, ऑल द पेंटिंग रियलिटी को ही देख के बनाया जाता है। ये नीरा देवधर डैम व्यू पॉइंट है और ये नज़ारा देख के ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया में है, बट यस, ये अपने भारत में ही है। आणि हा आपला महाराष्ट्र है। प्लान के मुताबिक हम लोग भोर तापोळा वाले रूट से जाने वाले थे, लेकिन टाइम को देखते हुए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि हम पुणे सातारा वाले हाईवे से ही जाएंगे। इट्स 4:21 और यहाँ पे ठंड चालू हुई है और मेरे ख्याल से आगे से जोरों की बारिश होने वाली है, इसके लिए अभिषेक भाई को बोलना पड़ेगा। अभी बारिश आई तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि जूते में पानी जाएगा, एडाप्टर में पानी जाएगा, तो ये कैसा, बाद में फिर उसको जो रिस्टोर करने की बात आती है, मतलब हेयर ड्रायर तो लाया मैंने साथ में सुखाने के लिए, बट उसमें टाइम निकल जाता है फिर वो। अभी सिर्फ आगे चाय ब्रेक के लिए रुकने वाले हम लोग। चलो इधर है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है बाबा, फॉग की वजह से पूरा फॉग जमा हो गया है इस पर। किधर आ रहा हो, किधर गड्ढा है, क्या है बाबा, क्या है मालूम। सातारा इज मोर 23 किलोमीटर्स और वहाँ से जाएंगे राइट। बैंगलोर भी है सीधा, क्या बोलते हो, जाए क्या? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम इंडिया की हर एक सिटी एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे अपने पैंथर पे। एक दिल की बात बोलता हूँ, मैं कभी भी जाता हूँ ना, कहीं पे भी जाता हूँ, कार हो ट्रेन हो, मुझे इतनी याद आती है ना इस बेचारे की कि यार अपनी बाइक होती, अपना पैंथर होता तो मज़ा आ जाता था। मतलब एक मेमोरी क्रिएट करनी है मुझे इसके साथ हर सिटी में। शौक ऐसे पाल के रखे हैं कि जिसमें खर्चा तो मजबूत है लेकिन मज़ा उसके 10 गुना ज़्यादा है। जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है ना बाइक चलाने के बाद, वो दूसरे किसी चीज़ में नहीं मिलता है मुझे। ट्रैवल करो अपने बाइक पे, बस यही चाहिए मुझे। हम लोग अभी प्रॉपर सिटी में है और अभी हमको जाना है राइट। आज के राइड का ये तीसरा घाट है। ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, कसम से बोलता हूँ, अगर मैं इस ऐसे शहर में रहता था ना, रोज यहाँ पे आता था। होटल में हम लोग अभी रुकने वाले हैं आज के दिन। मस्त है एकदम, बहुत बढ़िया।
चलो रूम एक नंबर है, एनर्जी ड्रेन हो गई है अभी। और भाई कैसे हुई राइड? बढ़िया, आप बताओ। हमारी भी बढ़िया। वैसे तो आज नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं कुछ, क्योंकि जो व्यू हमको मिलते गया ना, एक नंबर था। अभी बस नाश्ता करना है थोड़ा, एंड कल सुबह तो यहाँ से नज़ारा जो दिखेगा वो शायद ड्रोन की नज़र से ही दिखेगा। हाँ, बिल्कुल।